गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको पार्ट्स ऑफ क्रिया और कार्य पढ़ाएंगे और बताएंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का ज्ञान होता है या पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खेलना, गाना, नाचना, पढ़ना, लिखना आदि। आप लोग अपनी अपनी बुक खोलें, देखें कल राधा ने पौधा लगाया, तो इसमें इस सेंटेंस में क्या, इस वाक्य में कौन सा काम हुआ? पौधा लगाया, लगाने का काम हुआ। ठीक, आगे देखें, राधा और विनीत उसे पानी दे रही हैं। क्या कर रही हैं? पानी दे रही हैं, दे रहे हैं। क्या हुआ? क्रिया हुआ देना। कुछ दिनों में फल लगेंगे, फलों का लगना क्या हुआ? क्रिया हुआ। हम फल खाएंगे, खाना खाएंगे, क्या हुआ? एक क्रिया शब्द है। आगे देखें, और काल किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने के समय का पता चलता है। समय का क्या होता है कि कौन सा काम कब हुआ, उसे काल कहते हैं। जैसे काल के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल यानी पास्ट जो काम हो चुका है, और वर्तमान काल जो काम हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और भविष्य काल कल मैं आपको लिखवाऊंगी, आपको मैं कल प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी, क्या हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। ठीक, अब क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर किसी अन्य शब्द पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे गर्वित फल खाता है, कर्ता कर्म क्रिया। यहाँ गर्वित क्या खाता है, उत्तर में यह फल। यहाँ फल कर्म है, कर्म में कहीं को लगता है कहीं नहीं लगता है। क्रिया से क्या पूछने पर जिसका उत्तर समझ में आता है या कुछ उसका उत्तर मिलता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो काम करने पे हमें लाभ मिलता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा सोता है, यहाँ बच्चा क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। वह रोता है, यहाँ भी अकर्मक क्रिया है। आगे देखें, सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखेंगे और अकर्मक क्रिया के। सकर्मक क्रिया के उदाहरण क्या क्या है? खेलना, पढ़ना, बजाना, खाना, पीना, लिखना, देखना, सुनना, धोना आदि। और अकर्मक क्रिया के, रोना, हंसना, उठना, बैठना, आना जाना, चलना, उठना, उड़ना। कोई चीज उड़ गया तो क्या मिला? कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। ठीक, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, कल हम आपको इसका प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे। ओके।